तो दोस्तों जैसा प्रॉमिस किया था वैसे ही फिर से आ गए हैं हम इस वीक के इंडियन फुटबॉल के और एक नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम आप सबको एशियन लेवल के डिफरेंट एज ग्रुप्स में इंडियन टीम के रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा रहा और इसके चलते हम अपकमिंग 2023 एशियन कप में कैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभदीप एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स 360। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर आप इंडियन फुटबॉल के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और भी इंडियन फुटबॉल रिलेटेड कॉन्टेंट्स बनाने में। तो देखिए 2023 में एशियन कप होना था चाइना में, बट एज पर AFC's रिसेंट अनाउंसमेंट एशियन कप को कतार में शिफ्ट कर दिया गया है और 2023 के बदले अभी शायद 2024 के स्टार्टिंग में एशियन कप को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मतलब एक साल से भी ज़्यादा का समय है इंडिया के पास प्रिपरेशन करने के लिए एंड दैट इज़ ह्यूज। तो देखा जाए तो इंडियन अंडर 23 टीम 2021 में AFC अंडर 23 क्वालिफायर्स में एक ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस किया था, बट दे आर लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट जो क्वालिफाई नहीं कर पाया था मेन राउंड के लिए। देन इंडियन सीनियर टीम इसी साल एशियन कप के क्वालिफायर्स में अलग ही अंदाज में परफॉर्मेंस किया एंड क्वालिफाई भी कर लिया बहुत ही आसानी से। बाद में इसी महीने के शुरुआत में इंडियन अंडर 17 टीम ने AFC अंडर 17 के क्वालिफायर्स में पूरे ग्रुप में स्टैंड आउट रहा एंड रनर्स अप होकर क्वालिफाई किया। देन जस्ट 3 से 4 दिन पहले इंडियन अंडर 20 टीम AFC अंडर 20 के क्वालिफायर्स में सच में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया और थर्ड पोजीशन में फिनिश किया एंड अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई तो नहीं कर पाया। तो ये जो रिजल्ट्स हमने आपको बताया है इनमें से ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ या फिर आसियान रीजियन के टीम्स के खिलाफ या फिर सेंट्रल एशिया के टीम्स के खिलाफ आया है। एंड जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल टीम इंडिया ने खेला है इन सारे क्वालिफायर्स में वो डेफिनेटली प्रेस्ट वर्दी है। देखिए हमने बहुत सारे गोल मिस किए हैं, कुछ गोल कंसीड किए हैं, कभी मिस पासेस हुआ है, बट फिर भी वी प्लेड ए अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल। कभी स्मॉल पास एंड बिल्डअप, तो कभी सडनली 2-3 पास के बाद एक थ्रो बॉल खेलने का प्रयास। ऐसी एक फिलोसफी देखने को मिला है टीम इंडिया के इन परफॉर्मेंसेस में। दैट मींस दोस्त 2023 के एशियन कप में हम कुछ अच्छा रिजल्ट ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग एक सालों में अगर AIFF एक कॉन्क्रीट प्लान लेकर चलता है तो। तो अगर आप देखेंगे तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में ओनली इंडिया इज स्टैंडिंग टॉल विथ ए मिक्स बैग ऑफ रिजल्ट्स, बट दोस्त आई एम क्वाइट श्योर गुड फ्यूचर इज कमिंग अहेड फॉर इंडियन फुटबॉल। और अगर आप हमारे इंडियन प्लेयर्स को देखें तो मैं आपको ऐसे 5 स्ट्राइकर्स की नाम बता सकता हूँ जो बहुत ही जल्द इंडियन सीनियर टीम में आ सकते हैं। उनमें से पहला है गुरकिरत सिंह। ही इज़ लिटिल बिट स्लो इन हिज पेस बट ही इज़ ए प्रॉपर स्ट्राइकर, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और ह्यूज गोल स्कोरिंग एबिलिटी है उनके पास एंड ही इज़ गोइंग टू बी ए ह्यूज एसेट फॉर इंडियन अटैकिंग लाइनअप। देन इंडियन अंडर 17 टीम के जो स्ट्राइकर है थांगलुलसन गांगते, उनका तो एज बहुत ही कम है बट क्या जबरदस्त स्ट्राइकर है। साथ में अंडर 20 टीम के ही हिमांशु जांगड़ा, वो भी बहुत ही कम उम्र के स्ट्राइकर है, साथ में पार्थिव गोगोई एंड इंडियन अंडर 23 टीम के रहीम अली। आई थिंक ये सारे प्लेयर्स इंडिया के स्ट्राइकिंग लाइनअप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने का पोटेंशियल रखती है। इसके अलावा इंडियन अंडर 20 टीम के जो डिफेंडर है अभिषेक सिंह, ये एक मॉडर्न जनरेशन के डिफेंडर है, सिर्फ डिफेंस नहीं उसके साथ अटैक भी करना जानती है। और इसके अलावा मिडफील्ड में है टाइसन सिंह, ही इज़ लाइक ए इंजिन इन द मिडफील्ड, क्या शानदार पासिंग एबिलिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, साथ में स्किलफुल भी है। और इंडियन अंडर 23 टीम जो लास्ट ईयर इगोर स्टीमेस के अंडर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उस टीम के काफ़ी सारे प्लेयर इंडियन सीनियर टीम में अभी खेल चुके हैं।
एंड देखा जाए तो इगोर स्टिमाच जो इंडियन सीनियर टीम के हेड कोच है उनको एशियन कप 2023 के नॉकआउट स्टेज तक पहुंचने का टारगेट दिया गया है। एंड अगर उस टारगेट को उन्हें अचीव करना है देन आई थिंक इन सारे प्लेयर्स को धीरे धीरे उन्हें सीनियर टीम में यूज करना होगा। एक्चुअली दे आर आवर हिडन जेम्स सो वी हैव द वेपन्स और अगर इन प्लेयर्स को सही तरीके से यूज़ किया जाए तो मेरा ये मानना है कि हम अपकमिंग एशियन कप में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और नॉकआउट स्टेज तक तो बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं अगर कमिंग एक साल के लिए हम एक कॉन्क्रीट प्लान प्रस्तुत करते हैं तो, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था। लेट्स सी आने वाले टाइम में कैसा डेवलपमेंट होता है और AIFF नेशनल टीम को फोकस करके क्या क्या काम करती है ये भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। सो यही बताना था आपको आज के इस वीडियो में, तो यहाँ पे ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।